प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदरा आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक हाल ही में रिलीज हुए पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है पागलपंती। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई पिक्चर जो शुक्रवार को रिलीज हुई है, इस शुक्रवार को ये पिक्चर पागलपंती टी सीरीज प्रोडक्शन और पनोरमा प्रोडक्शन के द्वारा रिलीज हुई ये पागलपंती। इस पिक्चर के बारे में रिव्यू करेंगे आज। दरअसल ये पिक्चर का नाम पागलपंती क्यों रखा नहीं मालूम, और बाकी नाम भी ऐसा है और बाकी पिक्चर भी ऐसा है। दरअसल एक पिक्चर में दरअसल दो बड़े गुंडे होते हैं जो काफी फेमस एक्टर्स है, जो अनिल कपूर जो काफी अच्छे फेमस एक्टर्स और एक प्रोड्यूसर भी है, और दूसरे काफी एक्सपीरियंस एक्टर सौरभ शुक्ला जो एक डायरेक्टर भी है, वो भी इस पिक्चर में दोनों एक जीजू और चाचा की तरह एक साथ दिखाई देते हैं, और एक विलन की रोल करते हैं जो हायर करते हैं बाकी तीन बंदों को। जो हीरो है इस पिक्चर के, एक है जॉन अब्राहम और उनके साथी जो है हमारे अरशद वारसी, और दूसरे जो है एक तीसरे हीरो जो एक टेलीविजन एक्टर भी है वह पुलकित सम्राट। दरअसल इस पिक्चर में ये तीनों एक साथ दिखाई देते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक, और जब से इन्हें हायर करते हैं अपने काम निपटाने के लिए तब से इनका बुरा समय शुरू हो जाता है, एक बैड टाइम चालू हो जाता है। तो इस तरह सब एक के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और एक विलन की तरह जो होते हैं जो इनके पीछे भागते रहते हैं, और हीरोइन बाकी तीन हीरोइन होती है जो इनके साथ रहते हैं, जो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक ही मकसद के पीछे भागते हैं। तो पिक्चर में ऐसा कुछ है नहीं, ना कोई डायलॉग है, ना कोई बराबर का डायलॉग है, ना कोई बराबर का एक स्क्रीन प्ले है, कोई स्टोरी ही बराबर नहीं है। जब इतने एक्सपीरियंस एक्टर है, और जैसे इसमें एक्ट्रेस जो है वो भी काफी फेमस एक्सपीरियंस एक्टर्स है, जितने जो बाकी दो हीरो है खासतौर से जॉन अब्राहम और अरशद वारसी काफी अच्छे फेमस एक्टर है, वो एक्सपीरियंस एक्टर भी है, और एक प्रोड्यूसर भी है जो जॉन अब्राहम जैसे, वो भी इस पिक्चर में उनका इस्तेमाल किया गया डायरेक्टर ने, पर एक सही तरीके से इस पिक्चर में कोई स्टोरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई डायलॉग बराबर नहीं है। जबकि इसमें तीन बड़े हीरोइन है जैसे लीना डिसूजा काफी फेमस एक्ट्रेस है, और बाकी जैसे उर्वशी राउतेला जो है एक दूसरे एक्टर्स है, और कीर्ति करबंदा, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स इन्होंने यूज किए डायरेक्टर ने, पर इस स्टोरी में कोई लॉजिक नहीं है, कुछ यहाँ तक कि लॉजिक ही नहीं है तो मैजिक भी नहीं है, ना कोई डायलॉग बराबर है, बस एक्शन आता है, कभी कॉमेडी आता है, कॉमेडी तो है नहीं पर कॉमेडी करने की ट्राई की गई है। ठीक है, पिक्चर आप एक पिक्चर देखना है सोच के जाएंगे थिएटर में तो देखिएगा, पर कुछ उम्मीद रखे ना जाइएगा पिक्चर में, पिक्चर देखने के लिए थिएटर में, क्योंकि पिक्चर में कुछ है नहीं, कभी एक्शन आता है तो कभी कॉमेडी, तो कभी रोमांस, तो कभी गाने भी ऐसे हैं जैसे कि पुराने गाने का रीमेक ना कर दिया गया हो, वैसे है इस पिक्चर के गाने, तो इस तरह है इस गाने इस पिक्चर के। पिक्चर आप टाइम पास के लिए दे सकते हैं, पर आप एक उम्मीद लेके जाएंगे कि पिक्चर ऐसा होगा वैसा होगा, पर है नहीं कुछ पिक्चर में, बस जैसे जैसे प्रेजेंटेशन है, जैसे जैसे एक डायलॉग है जो डायलॉग एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है, बस पिक्चर ऐसा बना दिया है, बस निकालने का कि पिक्चर निकाल दिया। जबकि एक डायरेक्टर वेलकम जैसे अच्छे अच्छे पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, और वैसे डायरेक्ट ने ऐसे पिक्चर निकाला तो कब हम कभी सोच भी नहीं सकते, बस लोगों से पैसा निकलवाना है ये सोच के लोगों ने शायद पिक्चर निकाला हो, पर पिक्चर में कुछ दम नहीं है, बस गाने भी ऐसे पुराने गाने हैं, उसके रीमेक ना कर दिया वैसे है गाने, पर टाइम पास के लिए आप देख सकते हैं थिएटर में जाके देखने के लिए, कि आपको बस आपको अपना छुट्टी बिताना है, सैटरडे संडे बिताना है तो जाके आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, पर पिक्चर देखने की मकसद से जाएंगे तो पिक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। बस ये पिक्चर नाम भी पागलपंती है, और पिक्चर यहाँ तक कि देखना भी एक पागलपंती है मैं कहूँगा इस पिक्चर को। तो बस मैं कहने लायक कुछ तो है नहीं, बस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे को ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सत्या भैरवी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी कहना कह दीजिएगा कमेंट्स में जरूर जवाब दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट एल्डर्स, घर में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।